गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। इस समय आपका हिंदी सेकंड में पार्ट पाँच पढ़ाया जा रहा है बेटा। पार्ट पाँच है आपका वाक्य। इंग्लिश में आप इसको सेंटेंस भी कहते हैं। वाक्य क्या होता है बेटा? पहले हमने वर्ण पढ़े, ठीक। वर्ण क्या था? वर्ण वह था जिसमें स्वर और व्यंजन है। वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है या जो मुख से आवाज निकलती है वह होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों से जुड़कर क्या बनाता? वर्णों से जुड़कर शब्द बनाता है ना। जो वर्ण थे उनको सार्थक शब्दों में अगर फिर वर्णों को जोड़ा जाएगा तो शब्द बनता है। शब्द के द्वारा जब जो शब्द होते हैं उनको अगर सार्थक तरीके से शब्द लिखे होते हैं और व्यवस्थित तरीके से लिखे होते हैं तो हम उनको शब्दों का समूह जो क्या होता है वो वाक्य कहलाता है। यानी जो सार्थक शब्द होते हैं एवं व्यवस्थित शब्द होते हैं उनका सारा समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। लेकिन वर्ण क्या थे? ये है जा, वर्ण हो गया, आ भी वर्ण है, से है उल्ले स्कूल, ठीक। वर्णों को जोड़कर हमने शब्द तो बन गया ये सार्थक शब्द, जबकि स्कूल रहा वह। लेकिन हमने जो अपने शब्द थे इन्हें हमने ढंग से क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा तो यह हमारा वाक्य गलत बनता है। यदि इसी हिंदी शब्दों को हम व्यवस्थित तरीके से लगा देते हैं, वह स्कूल जा रहा है, लेकिन गैर शब्दों को तरीके से लगा दिया, जब हमने शब्दों को तरीके से लगा दिया है तो इसका अर्थ निकल कर आ रहा है, तो जो इसका अर्थ निकल कर आ रहा है वह वाक्य कहलाता है। आया समझ में? जो शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित ढंग होता है लिखने का उसे हम वाक्य कहते हैं। अब आता है आपका वाक्य के अंग। किसी भी चीज को बेटा जब किसी के विषय में कुछ कहा जाता है जो कुछ करता है तो वो वाक्य ही है। अब उसके लेकिन अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? जिस उसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। जैसे कि सीता पुस्तक करती है। सीता कौन है? काम करने वाला कौन है? करता है सीता, ठीक है। एक उद्देश्य है ना, तो माध्यम है हमारा काम करने का। वह क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ती है, तो वह क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। मोहन साइकिल चलाता है। उद्देश्य कौन है? मोहन, क्योंकि उसके द्वारा क्रिया की जा रही है, वह साइकिल चला रहा है। मोर नाचता है। मोर हमारा उद्देश्य है और नाचना उसका, जो नाच रहा है वह हमारा विधेय। यानी जो कर्ता होता है जो काम करने वाला होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो वह काम करता है उसे हम विधेय कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था वाक्य किसे कहते हैं, फिर पढ़े थे हमने वाक्य के अंग। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के बेटा चार भेद होते हैं, ठीक। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य। पहला है साधारण वाक्य। साधारण होता है सरल, सीधा साधा, कहते हैं ना वह बड़ा साधारण व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता, अपना जीवन सादा व्यतीत करता है उसे साधारण कहा जाता है। जैसे कि सीता पढ़ती है, वह गाती है, वह खेलती है, ये सारे के सारे साधारण वाक्य में आते हैं। फिर आता है नकारात्मक। बेटे ना लग गया है तो नकारात्मक होता है, ना माने नहीं, ठीक, ना माने नहीं हो जाता है नकारात्मक वाक्य। एक तो होता है भाई तुषार पत्र लिखता है, एक हो गया तुषार से पत्र लिखना नहीं आता, ठीक। बच्चा खेलता है, बच्चे से खेला नहीं
जाता या बच्चे को खेलना नहीं आता। नकारात्मक में बहुत आसान है समझने में, नहीं का प्रयोग लगाया जाता है, यानी कोई भी क्रिया होती है वह नहीं में प्रयोग की जाती है। फिर आता है प्रश्नवाचक, ये तो आप लोग हिंदी में सभी बच्चे प्रश्न को इंग्लिश में भी करते हो, क्वेश्चन करते हो ना, तो प्रश्न वही हो गया, कौन बाहर, कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसका चिन्ह हमेशा बेटा प्रश्नवाचक का इस तरह से रहता है। इसको बताने में आसानी होती है क्योंकि आपका आगे विराम चिन्हों का भी एक चैप्टर आएगा चिन्ह का, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जब कभी भी ऐसा लगवा देता है तो इसमें आपसे क्वेश्चन किया या प्रश्न किया जाता है। ठीक बेटा, आगे आता है आज्ञा, आज्ञा किसी भी चीज़ की आज्ञा देना, स्वीकार करना आज्ञा को, पढ़ने बैठो आज्ञा मिली आपको, घर चलो आज्ञा मिली, जहाँ पर कहीं पर आदेश प्राप्त होता है हमें किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, वहाँ पर आज्ञा अर्थक वाक्य होता है। अब आपका पाठ हमने पढ़ा वाक्य वाला आज, ठीक है, वाक्य के अंग कितने बताए, मैंने दो बताए हैं, उद्देश्य और विधेय, और इसके भेद कितने थे, चार थे, पहला साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है और आज्ञार्थक वाक्य है। आपको ये पाठ समझ में आया हो बेटा, इसका मैं काम भेज रही हूँ, सभी बच्चे साफ साफ राइटिंग में अपना काम करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा।